लोकसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे नदारद। स्थानीय मुद्दों की चर्चा नागौर, लोकवार्ता नागौर। जिले के खींवसर विधानसभा उपचुनाव प्रचार का दूसरा चरण चरम सीमा पर पहुंच गया है। भाजपा और आरएलटीपी गठबंधन के प्रत्याशी नारायण बेनीवाल और कांग्रेस के प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा के समर्थन में उनके अपने अपने समर्थक गांव-गांव ढाणी ढाणी पहुंच रहे हैं। नुक्कड़ सभाओं और छोटी छोटी रैलियों का दौर चल रहा है, लेकिन इस सबके बीच यहां चर्चा स्थानीय मुद्दों पर ही हो रही है। आरएलटीपी के नेता राष्ट्रवाद और धारा 370 हटाने के मुद्दों को नहीं भुना पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भाजपा का प्रत्याशी नहीं होने के कारण इन मुद्दों की चर्चा ना के बराबर है। वहीं कांग्रेस अपना प्रचार बहुत लो प्रोफाइल चला रही है, इसके चलते आरएलटीपी और भाजपा को आक्रमण का मौका नहीं मिल पा रहा है। नारायण बेनीवाल के बड़े भाई और सांसद हनुमान बेनीवाल इस क्षेत्र से 3 बार विधायक चुन लिए गए थे, इसलिए प्रचार में कांग्रेस को विकास के मामले पर आरएलटीपी नहीं घेर पा रही है। इसके उलट यह चर्चा जोरों पर है कि राज्य में 4 साल तक कांग्रेस की सरकार ही रहेगी, इसलिए लाभ तभी मिलेगा जब यहां से कांग्रेसी प्रत्याशी जीतेगा। कांग्रेसी प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा को लेकर भी मतदाताओं में यह चर्चा जोरों पर है कि वे जीतने के बाद बतौर विधायक नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बड़ा है, वह अनुभवी है और उनके पिता स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी बहुत कुछ करेगी। क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। मतदाता मानते हैं कि यहां पर चल रहे गैर कानूनी कार्यों तथा अपराधियों को कांग्रेसी नेताओं का कोई वरद हस्त नहीं रहा है और इन सबसे क्षेत्रवासियों को निजात कांग्रेस ही दिलवा पाएगी।